नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने आज एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। जी हाँ, काफी विद्यार्थियों के यहाँ पर सवाल आ रहे थे, बार बार मुझे मैसेज किया जा रहा था कि कॉपी जो होती है हमारी एग्जाम की, उसमें एंट्री करने में दिक्कत हो रही है और जब हम गलती कर देते हैं तो हमारे से टीचर मतलब कि हमें कुछ इस तरीके से मतलब कि फालतू बोलते भी हैं कि आप कॉलेज में हो चुके हैं और आपको कॉपी भरना नहीं आ रहा है, ये सारी चीज ऐसे सवाल देखने को मिल रहे। तो बिल्कुल आपके सामने यहाँ पर वीडियो लेकर उपस्थित हूँ कॉपी के साथ में और आपको सारी चीजें समझाने वाला हूँ। कोई विद्यार्थी अगर गलती कर दिए हैं, मान लो कहीं पे कोई अगर गलती हो गई तो कहाँ नुकसान हो सकता है और आने वाले समय में किन चीजों को आप ध्यान रख सकते हैं। हालांकि राजस्थान यूनिवर्सिटी के पेपर चलते हैं यहाँ पर 1 महीना हो चुका है, लेकिन काफी विद्यार्थी अभी भी गलती कर रहे हैं और अब जैसे ही विद्यार्थियों ने मुझे कॉपी भेजी है ठीक उसी तरीके से मैं यहाँ पर समझाने वाला हूँ। राजस्थान यूनिवर्सिटी कॉपी की बात करूँ, शेखावटी की बात करूँ और बात करूँ मत्स्य यूनिवर्सिटी की, लगभग लगभग सेम कॉपी होती है, थोड़ा सा आगे पीछे होता है इन चीजों में, ये चीज आप ध्यान रखें। लेकिन आपको एंट्री तो वही रहने वाली है, यहाँ पर चेंज नहीं होंगी। आपका डेट क्या होने वाला है इस चीज को लेकर, सेंटर कोड क्या होने वाला है, ये सारी चीजें आपको मैं बताने वाला हूँ, ध्यान रखें। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें तथा जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। मैं सारी चीजें आपको समझाने वाला हूँ पूरे तरीके से, कॉपी किस हिसाब से आपकी एंट्री होती है जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। गलत भर देते हैं तो रिजल्ट रुक जाता है, किन किन कारणों से रिजल्ट रुक सकता है, इन सभी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको बता दूं राजस्थान यूनिवर्सिटी की कॉपी है, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। जी हाँ, सबसे पहले देखो आपको बता देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर ऑफिस यूज, फॉर ऑफिस यूज और फॉर ऑफिस यूज। इन चीजों को, इन कॉलम को मतलब कि छेड़ना नहीं है, कुछ नहीं करना है इनमें, ये चीज आप ध्यान रखें। कहाँ कहाँ शुरू करना है वो सबसे पहले आपको बता देता हूँ। देखो इधर देखो, कॉर्नर में लिखा हुआ है नेम ऑफ एग्जामिनेशन, आप जिस क्लास में है उसका नाम आएगा। कोई विद्यार्थी बीए पार्ट फर्स्ट रेगुलर है तो उसको लिखेगा बीए पार्ट फर्स्ट रेगुलर एग्जाम 2023। कोई विद्यार्थी है नॉन कॉलेज है, बीएससी पार्ट फर्स्ट नॉन कॉलेज एग्जाम 2023, इस टाइप से। कोई पीजी में है तो एमए प्रीवियस एग्जाम सब्जेक्ट जिसका, मान लो हिस्ट्री है तो हिस्ट्री 2023, इस टाइप से इसमें आ जाएगा। सब्जेक्ट की बात करें तो किस सब्जेक्ट से आप हैं, ये चीज आप ध्यान रखें। बीए बीएससी हो गया तो बीए बीएससी भी आ जाएगा। पेपर किस चीज का पेपर है उसके बारे में लिखेंगे, ये चीज आप ध्यान रखें। मान लो किसी का केमिस्ट्री फर्स्ट है, केमिस्ट्री लिख दिया यहाँ पे, ये चीज आप ध्यान रखें। किसी का मान लो कि बोटनी है, बोटनी का लिख दिया। किसी का हिंदी है तो हिंदी लिटरेचर लिख दिया, हिंदी है तो हिंदी लिटरेचर का लिखेंगे। और मान लो इंग्लिश लिटरेचर तो इंग्लिश लिटरेचर, वो पेपर से बात संबंधित बात हुई। पेपर कोड, ये पेपर के ऊपर दिया हुआ होता है, ये चीज आप ध्यान रखें। आपका जो पेपर आपको कॉपी में मिलने वाला है उसके ऊपर दिया हुआ होता है पेपर कोड, उसमें 4 अक्षरों का लगभग लिखा जाता है राजस्थान यूनिवर्सिटी में। तो किसी 1171 हो सकता है, किसी क्या 1103 हो सकता है, वो अलग अलग होते हैं। किसी 2111 हो सकता है, 2173 हो सकता है, वो तो पेपर के हिसाब से अलग अलग कोड दिए होते हैं। ये आप टीचर से पूछ सकते हो और आपके पेपर पे भी लिखा हुआ होता है अच्छे तरीके से, पेपर कोड इतना नंबर का, ये चीज आप ध्यान रखें। उसके बाद में लिखा हुआ है डे ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि किस दिन आपका एग्जाम है, मंगलवार को है, सोमवार को है, बुधवार को है, किस मतलब कि वार को आपका एग्जाम, वो इसमें लिखना है, ये चीज आप ध्यान। डे ऑफ एग्जाम यानी किस दिन आपका एग्जाम है, जिस डेट का आपका एग्जाम, मान लो किसी का 15 का है तो 15 तारीख लिखनी है, किसी का 16 तारीख का है तो 16 तारीख लिखना है। जो भी डेट को आप एग्जाम दे रहे हैं, जो पेपर दे रहे हैं, उसी डेट को आपको लिखना है, ये चीज आप ध्यान। वो आपके एडमिट कार्ड में दी हुई होती है, ये चीज आप ध्यान रखें। उसके बाद में बात करें सबसे इंपॉर्टेंट बात, मॉर्निंग नून इवनिंग सेशन की बात कर लेते हैं। तो देखो, सुबह 7 से 10 वाला मॉर्निंग होता है और 11 से 2 वाला होता है, वो आपका ये मिडिल वाला हो गया नून वाला, और इवनिंग वाला हो गया 3 से 6 वाला। तो ये चीजें होगी, एक साइड की जो होती है एंट्री वो मैंने आपको बता दी है। और ये बीच वाली एंट्री में आपको कुछ नहीं करना है, फॉर ऑफिस यूज है, ये आपके जब कॉपी चेक होंगी तब ये नंबर देता है रेगुलेटर, जो भी होता है चेक करता है आपकी कॉपी, या उसके ऊपर डिपेंड करता है। या आपके इसमें कुछ भी नहीं करना है, इन चीज में ध्यान रखें, बीच वाले कॉलम में कुछ भी नहीं करना है। अब चलते हैं जो अगला प्रोसेस है उसके बारे में। देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है रोल नंबर। अब रोल नंबर में देखो, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा काटाफासी कर दिया, किसी विद्यार्थी ने भर के मुझे कॉपी भेजी थी तो मैंने काट के दिखाया ना। आप देखो सेंटर कोड में यहाँ पे देखो 4 खाने बने हुए हैं, ऐसे ही रोल नंबर में भी खाने बने होते हैं। देखो यहाँ पर ईयर में भी खाने बने हुए और नंबर में भी खाने बने हैं, और उसके नीचे जो होती है वर्डिंग उसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे मतलब कि 9 तक लिखा हुआ होता है, ये चीज आप ध्यान रखें। अब इसको भरना कैसे है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। रोल नंबर क्या होता है, जो आपके एडमिट कार्ड में आपके फोटो के ऊपर रोल नंबर देखने को मिल रहा है उसको भरते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये। अब रोल नंबर देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, 7 अक्षरों का रोल नंबर दिया हुआ है। किसी विद्यार्थी का 6 है तो पहले भरते समय 0 लगाएंगे, राइट साइड से भरना शुरू करें, ये चीज आप ध्यान रखें। यानी कि ईयर जो लिखा हुआ है ना इस साइड में, इस कॉर्नर से शुरू करेंगे रोल नंबर को, ये ध्यान रखें। यहाँ पर कॉर्नर वाले से शुरू करेंगे रोल नंबर में, जो कोने कोने का है वहां से शुरू करेंगे, और ठीक इधर में आगे आगे जब मान लो कोई खाली रह जाता है तो 0 लगा देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं रहता, ये चीज आप ध्यान। ऐसा नहीं है कि शुरू में लगा दी, शुरू से भरना शुरू कर दिए, शुरू के पहले खाने से भरना शुरू कर दिए। मान लो किसी रोल नंबर 6 ही अंकों के हैं तो लास्ट वाला अगर कॉलम बच जाता है तो फिर उसमें 0 लिखेंगे तो वो एक संख्या बन जाती है, वो गलत है, ये चीज आप ध्यान रखें। शुरू में 0 लगाएंगे तो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये चीज आप ध्यान रखनी होती है। ईयर की बात करूँ, ये एनरोलमेंट वाला ईयर है, ये चीज आप ध्यान रखें। एनरोलमेंट नंबर आपके एडमिट कार्ड में दिया हुआ है, किसी का नहीं है तो खाली छोड़े
करेंगे, ये चीज आप ध्यान रखें। और जिसका भी एनरोलमेंट नंबर आया हुआ है वो एनरोलमेंट नंबर यहाँ से भरेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए होने वाली है। और उसमें एक मतलब कि ब्रैकेट कोष्टक में ऐसा लिखा हुआ होता है रोल नंबर के बारे में, मान लो कि ओब्लिक जैसे दिया हो किसी ने, मतलब 2023 में एनरोलमेंट करवाया, तो 2023 कॉर्नर पे कोमा होता है, ये चीज आप ध्यान रखें। उसके बाद में आपके और नंबर दिए होते हैं, 4 से 5 अक्षरों के नंबर दिए होते हैं, वो इसमें नंबर वाले सिस्टम लिखना है। तो ये ध्यान रखें, ईयर आपका एनरोलमेंट नंबर वाला भरना है, ये चीज आप ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि जो साल आप परीक्षा दे रहे हैं वो हो, आप यूनिवर्सिटी में कब एनरोलमेंट हुआ है वो आपके लिए मायने रखता है। कोई विद्यार्थी फाइनल का है तो उसका 2 साल पहले का रोल नंबर यहाँ पे दिखाएगा एनरोलमेंट, जो ईयर नंबर देखने को मिलेगा वो 2 साल पहले का देखने को मिलेगा, वो आपके एडमिट कार्ड में दिया हुआ होता है, नहीं है तो उसको खाली छोड़ेंगे, ये चीज आप ध्यान। सेंटर कोड आपके एडमिट कार्ड में दिया हुआ है, आपका सेंटर का जो नाम है, मान लो कोई विद्यार्थी किसी भी कॉलेज का है चाहे दोसा कॉलेज का है, उसका जो नाम है दोसा कॉलेज यहाँ पे लिखा है, उसके आगे ही आपको 4 अक्षरों में 3 अक्षरों में यहाँ पे सेंटर कोड देखने को मिलते हैं, ये चीज आप ध्यान रखें। और उसमें भी देखना 0 शुरू में पहले लगा हुआ होगा, उस हिसाब से एंट्री आपको करनी है। दूसरी चीज बता दूं, जिस नंबर को आप भर रहे हैं, मान लो किसी का भर रहे हैं, यहाँ पे नंबर भर दिया आपने किसी का 11, 55, 266 ऐसे मान लो कुछ भरा, तो 11, 55 का मतलब क्या है, पहला जो कॉलम है उसमें 1 आएगा, 1 को गोला करना है, दूसरे कॉलम में क्या करना है, 1 को गोलम करना है, उसके बाद में 11, 55 में 5 आ रहा है तीसरे नंबर पर, तो उस 5 को मतलब करना है, ये चीज आप ध्यान। मतलब कि जो नंबर ऊपर लिखा है आपने केवल उसी को करना है, ऐसा नहीं है कि सौरे कर दें ऊपर से लेके नीचे तक करते जाएं गोले, ऐसा नहीं करना है। ओमर शीट आपने भरी होंगी काफी, नहीं भरी है तो भी आप ये देख लें, जो नंबर आप ऊपर लिख रहे हैं मान लो 1 लिखा है तो आपको 1 को ही गोला करना है, ये चीज आप ध्यान रखें। 1 नंबर वाला ऊपर आप लिख रहे हैं 4 नंबर तो 4 नंबर वाला गोला करेंगे, ये चीज आप ध्यान रखें। ठीक, ऐसे ही पेपर कोड मैंने आपको बताया अभी आपने लिखा, वो सेम कॉपी में आपको उसमें पेपर में देखने को मिलता है वो लिख देंगे। पेपर नंबर यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो पेपर आप दे रहे होते हैं उसके बारे में लिखना होता है, कौन सा पेपर आप दे रहे हैं ये चीज आप ध्यान रखें, उसके बारे में लिख देंगे। नेम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं, नेम ऑफ एग्जामिनेशन में जैसे शुरू में आपने देखने को मिला था इस साइड में पहले आया था, मैंने बता दिया कोई बीए पार्ट फर्स्ट है तो बीए पार्ट फर्स्ट एग्जाम 2023, नॉन कॉलेज है तो नॉन कॉलेज 2023 ऐसे उसमें लिख देंगे, पीजी में है तो पीजी का पूरा नाम लिख देंगे उसमें, एक तरीके से ध्यान रखें एग्जाम का, वो आपके एडमिट कार्ड में देखने को मिलता है ऊपर ही ऊपर, बीए पार्ट फर्स्ट एग्जाम 2023, बीए पार्ट फर्स्ट एग्जाम नॉन कॉलेज 2023, बीएससी पार्ट फर्स्ट एग्जाम नॉन कॉलेज 2023, ये सारी चीजें आपको उसमें दी हुई होती है, सेम आपको लिखना होता है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन, जिस दिन आप एग्जाम दे रहे हैं, सब्जेक्ट जिस विषय का आप एग्जाम दे रहे हैं वो इसमें लिखना है। अब देखो, पेपर नंबर विद नोमेनक्लेचर, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, काफी विद्यार्थियों को कंफ्यूज होता है। अब देखो, काफी विद्यार्थी सब्जेक्ट ले लेते हैं, मान लो कि हिस्ट्री उसके पास सब्जेक्ट है, तो हिस्ट्री में भी क्या होता है, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, ठीक है, ऐसे उसके बटे हुए होते पार्ट, भैया इकोनॉमिक्स ले लिया तो उसमें राजस्थान का एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स ऐसा कुछ आ जाता है, राजस्थान इकोनॉमिक्स इस तरीके से टॉपिक बटे होते हैं। ज्योग्राफी की बात करें तो रिसोर्स ज्योग्राफी होता है, ह्यूमन ज्योग्राफी, ये सारी चीजें वो आपके पेपर जो होता है उसमें दिया होता है कोष्टक में। आपके पेपर ज्योग्राफी मान लो किसी का पेपर फर्स्ट है, ज्योग्राफी फर्स्ट, उसके नीचे कोष्टक में एक नाम दिया हुआ होता है, उस पेपर का किताब का नाम होता है कि आप इस चीज का पेपर दे रहे हैं, ज्योग्राफी फर्स्ट है तो ज्योग्राफी फर्स्ट का क्या नाम है। ठीक, ऐसे ही अगर पीजी के विद्यार्थी हैं तो उस पेपर का नाम आपको देखने को मिलेगा, वो पेपर में देखने को मिलता है, वो सीधा आपको ऐसे उतार होता है, चीज आप ध्यान रखें। वो आपके सब्जेक्ट का भी सब्जेक्ट होता है जिस चीज का आप पेपर दे रहे हैं। और एग्जामिनेशन सेंटर नेम, जो सेंटर आपका मतलब की है आपके एग्जाम में दिया हुआ है, जहां पे आगे एग्जाम दे रहे हैं उसको लिखना है, पूरा आपको लिखना है, चीज आप ध्यान रखें। मान लो एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज पीजी, एलबीएस गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कोटपुतली जयपुर, ऐसा लिखना है अगर एलबीएस है तो। किसी का दूसरा कॉलेज है, किसी का मनोहरपुर कॉलेज है, सापरा कॉलेज है, तो अपना कॉलेज जो भी आपका है जिसमें आप सेंटर एग्जाम दे रहे हैं, चीज आप ध्यान, उसका नाम लिखना है। ठीक, बात करें यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पे लिखा हुआ नीचे, तो इसमें अपने खुद के हस्ताक्षर करने हैं, जो आपका मतलब हस्ताक्षर आपके एडमिट कार्ड में आया वो ये हस्ताक्षर करना है, ये चीज आप ध्यान रखें। और साइड में लिखा हुआ है सिग्नेचर ऑफ इनविलिग लेटर्स, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, जो आपके एग्जाम में ड्यूटी लेने आएंगे वो आपके यहाँ पे साइन कर जाएंगे, तो ये चीज आप ध्यान रखें। कॉपी का वीडियो था, मैंने पहले इसलिए नहीं बनाया, मुझे लगा कि आप 10th के बाद में काफी एग्जाम दे लेते होंगे तो इतनी समस्या नहीं आएगी, लेकिन काफी विद्यार्थियों के यहाँ पे सवाल आ रहे थे तो मैंने जरूरी समझा जिस तरीके से उनके सवाल थे, काफी विद्यार्थी कंफ्यूज हो रहे थे, काफी विद्यार्थियों को टीचर्स मतलब कि टीचर्स ने डांटा भी है तो थोड़ा परेशान भी दिख रहे थे। अब आपको एक चीज बता देता हूँ, रोल नंबर में गलती है तो भैया रिजल्ट रुकेगा, ये चीज आप ध्यान रखें। बाकी एंट्री में कोई समस्या हो तो कोई दिक्कत नहीं है, चीज आप ध्यान रखें, लेकिन रोल नंबर में अगर कोई गलती हुई है तो रिजल्ट रुकने के ज्यादा चांस रहते हैं, ये चीज आप ध्यान रखें। तो ऐसे गलती ना करें, बहुत अच्छे तरीके से भरना है। फिर भी कोई सवाल रह गया हो इससे रिलेटेड तो कमेंट कर देना, आपको जवाब दे दूंगा। इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझसे बात कर लेना, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपके गैस पेपर डेली एजुकेशनल अपडेट्स आपको मिलती रहती है राजस्थान यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हमारे टेलीग्राम चैनल पर, तो ध्यान रहे आने वाले समय में ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। और विशेष बात मैं यही कह रहा हूं, वीडियो बनाने का मतलब यही था कि आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए वीडियो बनाया। तो अभी भी कोई सवाल अगर आपका रह गया है तो चैनल पे कमेंट कर देना, ये चीज आप ध्यान रखें, आपको जवाब मिल जाएगा। जुड़े रहे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।